सो नेक्स्ट इज डेटा टाइप. क्या होते हैं डेटा टाइप्स? डेटा टाइप स्पेसिफाइज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ डेटा लाइक इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट्स, बूलियन, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, बूलियन एटसेट्रा. डेटा टाइप की डेफिनेशन, वही डेफिनेशन हम उन्होंने लिखी है जो कि हम जावा में भी पढ़ रहे हैं, यहाँ भी पढ़ रहे हैं. डेटा टाइप की डेफिनेशन कोई चेंज नहीं होगी. तो डेटा टाइप इज एट डेटा टाइप डिफाइंस द टाइप ऑफ डेटा एंड एसोसिएटेड ऑपरेशंस विद इट. 12th क्लास स्टूडेंट्स, अगेन आपको ये डेफिनेशन याद होना चाहिए कि व्हाट इज डेटा टाइप. सो ओके, सो यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स आर अवेलेबल लाइक योर न्यूमेरिक डेटा टाइप. न्यूमेरिक डेटा टाइप में टाइनी इंट, स्मॉल इंट, मीडियम इंट, इंटीजर, बिग इंट, देन फ्लोट, डबल, डेसिमल, बिट, ये बुलियन, दीज आर द डेटा टाइप्स विच फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ न्यूमेरिक डेटा टाइप. अब पहला देखो, टाइनी इंट. इट इज़ अ वेरी स्मॉल इंटीजर दैट कैन बी साइंड और अनसाइंड. सबसे पहले तो आपको इंटीजर पता होना चाहिए कि इंटीजर नंबर क्या होते हैं. तो इंटीजर नंबर्स आर होल नंबर्स, मतलब कि उसके अंदर फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता है, डेसिमल्स नहीं होते. लाइक 2.3 इज नॉट अ इंटीजर. 2 इंटीजर, 3 इंटीजर, 4, 5, इस तरह से होल नंबर्स जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके इंटीजर्स कहलाएंगे. तो फर्स्ट इज योर टाइनी इंट. इट इज़ अ वेरी स्मॉल इंटीजर दैट कैन बी साइंड और अनसाइंड. साइन मतलब वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है. इफ़ साइंड, अगर वो साइन नंबर है तो जो उसकी रेंज होगी वो क्या होगी, फ्रॉम -128 टू 127 होगी. और अगर वो अनसाइंड है तो जो अलाइबल रेंज होगी वो 0 से लेकर 255 तक होगी. ठीक है, वी कैन स्पेसिफाई अ विड्थ ऑफ अप टू 4 डिजिट्स. इट टेक्स 1 बाइट फॉर स्टोरेज. टाइनी इंट स्टोरेज के लिए कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, 1 बाइट लेता है. नेक्स्ट इज योर स्मॉल इंट. इट इज़ अ स्मॉल इंटीजर दैट कैन बी साइंड और अनसाइंड. देखो, जब आप इसको याद करेंगे लिखने के लिए तो फर्स्ट लाइन आपको सब में सेम लगेगी, इन दोनों में सेम दिखेगी. इट इज़ अ वेरी, इट कैन बी साइंड और अनसाइंड. इफ साइंड, द अलाउएबल रेंज इज फ्रॉम -3 to 768 टू 3 to 767. ये टाइनी इंट और स्मॉल इंट की रेंज आप याद रखेंगे. ठीक है, कि क्या होती है टाइनी इंट की रेंज होती है फ्रॉम, अगर वो साइंड है तो -128 टू 127, एंड इफ अनसाइंड तो 0 टू 255. और स्मॉल इंटीजर में -3 to 768 से लेकर 3 to 767 इफ अनसाइंड. और अगर साइंड है तो, एंड इफ अनसाइंड तो जो रेंज हो जाएगी वो हो जाएगी 0 से लेकर 65535 तक. ओके, वी कैन स्पेसिफाई अ वेट्स ऑफ अप टू 5 डिजिट. ऊपर कितनी थी, 4 डिजिट तक. इट रिक्वायर्स 2 bytes फॉर स्टोरेज. स्मॉल इंट को कितनी मेमोरी लगेगी, 2 byte लगेगी. नाउ मीडियम इंट. इट इज़ अ मीडियम साइज इंटीजर दैट कैन बी साइंड और अनसाइंड. इफ अनसाइंड तो इसकी ये रेंज रहेगी, इस रेंज को आपको याद करने की जरूरत नहीं है. इसके अंदर आप इतना रखें कि अगर इट इज़ अ मीडियम साइज इंटीजर दैट कैन बी साइंड और अनसाइंड. वी कैन स्पेसिफाई अ विड्थ ऑफ अप टू 9 डिजिट. इट रिक्वायर्स 3 bytes फॉर स्टोरेज. ठीक है, जो आपका टाइनी इंट था उसको आप कितने बाइट लग रहे थे, 1 बाइट. स्मॉल इंटीजर को 2 bytes और मीडियम इंटीजर को 3 bytes. देन आता है आपका इंटीजर. इट इज़ अ नॉर्मल साइज इंटीजर दैट कैन बी साइंड और अनसाइंड. इफ अनसाइंड तो जो उसकी रेंज है वो ये रहेगी, और अगर अनसाइंड होता है तो उसकी रेंज ये रहेगी. वी कैन स्पेसिफाई अ वेट्स ऑफ अप टू 11 डिजिट्स. इट रिक्वायर्स 4 bytes फॉर स्टोरेज. ठीक है, नेक्स्ट योर बिग इंट. इट इज़ अ लार्ज इंटीजर दैट कैन बी साइंड और अनसाइंड. फिर उसकी रेंज दे रखी है. वी कैन स्पेसिफाई अ विड्थ ऑफ अप टू 20 डिजिट्स. इट रिक्वायर्स 8 bytes फॉर स्टोरेज. और जो इंटीजर था उसको 4 bytes लग रहे थे, ये जस्ट डबल 8 bytes लेगा स्टोरेज के लिए. देन फ्लोट. इट इज अ फ्लोट के अंदर क्या है, देखो, इट इज़ अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर दैट कैन नॉट बी अनसाइंड. ये नेगेटिव नहीं होगा. That cannot be unsigned means, अगर साइंड है तो नेगेटिव होगा. तो unsigned मतलब कि सिर्फ पॉजिटिव नहीं होगा. You can define the display length m and the number of decimal d. This is not required and will default to 10.2. मतलब ज़रूरी नहीं है कि ऑप्शनली अगर हमको देना हो
तो दे और ना देना होता नहीं, और अगर हम नहीं देंगे तो डिफॉल्ट वैल्यू रहेगी 10/2, मतलब M10 और D2, वेयर 2 इज द नंबर ऑफ डेसिमल्स एंड 10 इज द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इंक्लूडिंग डेसिमल्स. डेसिमल प्रिसीजन कैन गो टू 24 प्लेसेस फॉर अ फ्लोट टाइप. इट रिक्वायर्स 2 बाइट्स फॉर स्टोरेज. फिर फ्लोट के बाद डबल, इसके अंदर भी रेंज बढ़ जाएगी, बाकी सेम है. फिर डेसिमल, देन योर बिट. इट इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग बिट वैल्यूज इनटू द टेबल कॉलम. ठीक है, इट इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग बिट वैल्यूज इनटू द टेबल कॉलम. अगर हमें टेबल जो आप बना रहे हैं MySQL के अंदर, उसके अंदर आपको एक कॉलम की वैल्यू के अंदर बिट वैल्यू स्टोर करवानी है, तो हम क्या लेंगे, बिट डेटा टाइप लेंगे. हियर एम डिटरमाइंस द नंबर ऑफ बिट पर वैल्यू, दैट इज़ अ रेंज ऑफ 1 to 64. नेक्स्ट योर बूल, इट इज़ यूज ओनली फॉर द ट्रू एंड फॉल्स कंडीशन. इट कंसिडर न्यूमरिक वैल्यू 1 एज ट्रू एंड 0 एज फॉल्स. अगर 1 रहे, अगर बुलियन डेटा टाइप आपने लिया है अपनी टेबल के अंदर, तो उसकी वैल्यू आपको क्या देना पड़ेगी, 0 और 1 के फॉर्म में. तो 0 मीन्स फॉल्स होगा और 1 मीन्स ट्रू. नेक्स्ट बुलियन, बुलियन भी बूल के जैसा ही है, इट इज सिमिलर टू द बूल. नेक्स्ट डेटा टाइप आएगा डेट एंड टाइम डेटा.